हेलो फ्रेंड्स, ये जो फूल आपको जो सफ़ेद रंग का दिख रहा है, ये कोई ऐसा वैसा फूल नहीं है, कोई साधारण फूल नहीं है फ्रेंड्स। ये बहुत ही खास फूल है, इसलिए इसके बारे में जानना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस फूल का नाम है ब्रह्म कमल फूल। फ्रेंड्स, माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का जो जन्म है इसी फ्लावर से हुआ था, और ये जो फ्लावर है, ये जो ब्रह्म कमल जो है, ये ब्रह्मा भगवान के हाथ में भी रहता है। अगर टीवी सीरियल या तो रामायण, महाभारत या तो कोई भी हिंदू मैथोलॉजी का अगर आप टीवी सीरियल या तो मूवी देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप नोटिस किए होंगे कि भगवान जो ब्रह्मा है उनके हाथ में सफ़ेद रंग का एक कमल की तरह उनके हाथ में फूल रहता है। तो फ्रेंड्स, वो कोई और फूल नहीं, यही फूल है। तो इसीलिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मैं आगे भी बताऊंगी कि ये जो फूल है, ये रामायण, महाभारत और भगवान शिव का जो स्टोरी है उसमें में भी इस फूल का जिक्र किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, ये जो फूल आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये कहीं और का नहीं, ये हमारे गार्डन का ही फूल है। ये कुछ दिन पहले ही, एक दो दिन पहले ही ये जो ब्रह्म कमल है हमारे गार्डन में खिला था, इसलिए मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए और लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और इसका जो इम्पोर्टेंस है हिंदू मैथोलॉजी में, जो इम्पोर्टेंस बताया गया है उसके बारे में भी मैंने सोचा कि ये बताना ज़रूरी हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे गार्डन में इस तरह आपको दिख रहा होगा, एक फूल खिला है। और देखिए, इसका जो पौधा है बहुत ही छोटा है, उतना बड़ा नहीं है, तब भी कितना प्यारा ये फ्लावर आया है हमारे गमले में। ये आप देख सकते हैं, हमारा जो गार्डन है देखिए कितना प्यारा ये जो ब्रह्म कमल है, ये आपको नजर आ रहा होगा, कितना अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, माना जाता है ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर का खिलना बहुत ही लकी माना जाता है। फ्रेंड्स, ये जो ब्रह्म कमल का जो पौधा है, इस पौधे में साल में सिर्फ एक ही बार फूल खिलते हैं, और ये जो फूल है वो रात में ही सिर्फ खिलता है। तो फ्रेंड्स, जो भी रात में इस फूल को खिलते हुए देखता है, ऐसा माना जाता है कि बहुत ही शुभ होता है ये। इस फूल को अगर कोई खिलता हुआ देखता है तो बहुत ही शुभ होता है, और उसकी जितनी भी मनोकामनाएं होती है वो पूरी होती है, ये माना जाता है। फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको बताया, भगवान शिव के स्टोरी में, महाभारत और रामायण में भी इसका जिक्र हुआ है। उससे हम लोग पहले जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो ब्रह्म कमल है, ये भारत में कहाँ कहाँ मिलता है, कौन से सीज़न में होता है, और क्या आप इसे घर पर आप लगा सकते हो इस पौधे को। तो फ्रेंड्स, ये पहले हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये जो ब्रह्म कमल का जो फूल है, इसका जिक्र महाभारत और जैसे कि मैंने और सारी चीज़ें बताया कहाँ कहाँ जिक्र हुआ है, तो मैं बताऊँगी इस वीडियो में आगे। फ्रेंड्स, ये जो ब्रह्म कमल का जो फूल है, ये जो पौधा है ब्रह्म कमल का, ये अधिकतर हिमालय में पाया जाता है। हिमालय के अलावा हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में भी पाया जाता है। भारत के अलावा ये चाइना में भी पाया जाता है, बर्मा में भी पाया जाता है। ये जो फूल है, ये ब्रह्म कमल जो फूल है, ये हिमालय में पाया जाता है, जैसा कि मैंने क्या आपको बताया। तो ये जो फूल है, ये हिमालय का किंग कहा जाता है, फ्लावर ऑफ किंग कहा जाता है इस फूल को। और फ्रेंड, मैंने आपको बताया, पहले ही बताया था कि ये जो फूल है, ये साल में सिर्फ एक बार खिलता है, और इससे फूल का जो खिलने का जो समय रहता है वो जुलाई से अगस्त के बीच में ये फूल खिलता है अधिकतर। इस फ्लावर को फ्रेंड्स लाइफ गिविंग लोटस भी कहते हैं। इसके पीछे एक स्टोरी छुपी हुई है। कहा जाता है कि माँ पार्वती ब्रह्मा भगवान से आग्रह उन्होंने किया था इस ब्रह्म कमल की उत्पत्ति के लिए, ताकि भगवान शिव हाथी का सिर भगवान गणेश के धर पर लगा सके। इसी तरह ये जो ब्रह्म कमल है, ब्रह्म कमल के कारण ही भगवान गणेश का जीवन फिर से मिल पाया था।
तो इसी कारण से इस ब्रह्म कमल के फूल को लाइफ गिविंग लोटस भी कहते हैं। एंड से इस फूल का वर्णन रामायण में भी किया गया है। एंड से लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए थे तो संजीवनी के कारण ही उनके प्राण बच पाए थे। फ्रेंड्स, जब लक्ष्मण भगवान ठीक हो गए उस संजीवनी के कारण, तब स्वर्ग लोक से सभी देवताओं ने फूलों की बारिश की। और देवताओं ने जो फूलों की जो बारिश की थी, वो फूल ये ब्रह्म कमल ही फूल था। और माना जाता है कि जब देवताओं ने फूलों की वर्षा की स्वर्ग लोक से, तो ये जो फूल है भारत में बहुत जगह वहाँ पर जाकर गिरे। और माना जाता है कि इसी कारण ये जो ब्रह्म कमल फूल है भारत में कहीं कहीं दूसरे दूसरे जगह पर भी पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ब्रह्म कमल की उत्पत्ति पृथ्वी लोक में हुई ये माना जाता है। इससे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रह्म कमल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भगवान शिव के भी स्टोरी में आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रह्म कमल क्यों बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो भगवान शिव के स्टोरी में आया था, मैंने आपको बताया। और रामायण में भी इसका कहाँ वर्णन हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग जानते हैं कि महाभारत में इस फूल का कहाँ वर्णन किया गया है, तो चलिए अब वो जानते हैं। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि पांडव जब वनवास में अपना जीवन यापन कर रहे थे, तब द्रौपदी ने ब्रह्म कमल फूल लाने को कहा भीम को। कहा जाता है कि भीम को अपने शक्ति पर काफी अभिमान हो गया था, तो जब द्रौपदी ने भीम से कहा कि मुझे ब्रह्म कमल फूल चाहिए, तो उनकी बात रखते हुए भीम ने ब्रह्म कमल का फूल लाने का निश्चय किया। जब भीम हिमालय की तरफ बढ़े तो उन्हें रास्ते में एक बंदर दिखाई दिया, जो कि पूंछ फैलाए हुए उनका रास्ता रोके हुए था। तो उससे तो भीम ने कहा उस बंदर से कि हे नाथ, आप अपना जो पूछ है वो रास्ते से हटा ले, ताकि मैं आगे रास्ते में प्रस्थान कर पाऊँ। लेकिन उस बंदर ने कहा, मैं बहुत ही बूढ़ा हो चुका हूँ, आप खुद ही में क्यों नहीं मेरा पूछ हटा देते हैं और अपने रास्ते में आप आगे बढ़ जाइए, और इससे आपको भी दिक्कत नहीं होगा, आप तो काफ़ी बलवान दिखाई दे रहे हैं। भीम ने काफ़ी चेष्टा की उस बानर की पूंछ हटाने की, लेकिन उनका जो पूंछ था बानर का, वो टस से मस ना हो पाया। तो भीम समझ गए कि ये कोई साधारण बानर नहीं है। तब उन्होंने आग्रह किया उस बानर से कि हे नाथ, आप अपने वास्तविक रूप में आए। वो कोई और नहीं, भगवान हनुमान थे। फ्रेंड्स, कहा जाता है इस तरह से भीम का जो अभिमान था वो नष्ट हुआ, और उसके बाद हनुमान जी ने उन्हें आगे रास्ता दिखाया हिमालय की तरफ। तब जाकर भीम ने उस ब्रह्म कमल फूल को अपने साथ ले गए। फ्रेंड्स, इस ब्रह्म कमल फूल का मेडिसिनल यूज भी काफी है, जैसे लीवर इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए ये फूल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हड्डी में अगर दर्द है तब भी इस फूल का इस्तेमाल किया जाता है। कोल्ड कफ में भी इस फूल का प्रयोग किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये फूल काफ़ी ही इस फूल का काफ़ी मेडिसिनल यूज है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो आप अपने घर में भी इस फूल को लगा सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया है ब्रह्म कमल फूल के बारे में, आपको आई होप अच्छा लगा होगा। और ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये फूल हमारे घर में उगा था, हमारे गार्डन में,
तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी अपने घरों में इस कमल, ये जो ब्रह्म कमल का जो पौधा है उसको लगा सकते हैं। और आपको मैंने पहले इस वीडियो में बताया था कि साल में सिर्फ एक बार ही ये फूल आता है रात्रि के समय में। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को आप प्लीज लाइक कीजिए, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को पता नहीं है कि ब्रह्मा के हाथ में, भगवान ब्रह्मा के हाथ में कौन सा फूल रहता है, कौन से फूल को भगवान ब्रह्मा हाथ में पकड़ के रखते हैं, तो इस फूल का दर्शन आप करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे ये होगा कि जब भी मैं इस तरह के वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको इस ब्रह्म कमल के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। टाटा गुड बाय।